बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का एकमात्र हूट हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन। महंगाई की इस दौर में मात्र 1.5 लाख से शुरू, शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स से, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी उपलब्ध है। अरेबिक डिजाइन, ट्रकी, इटालियन, बॉम्बे, कोलकाता, सभी जगहों के सामान बिना कोई शर्त और बिना एक्स्ट्रा चार्ज के, मात्र 9% के मेकिंग चार्ज के साथ शुद्धता की गारंटी और सोने पर 100% की वापसी। सिवान के रघुहाता स्थित राज लक्ष्मी मैरिज हॉल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बैठक पार्टी के जिलाध्यक्ष अब्दुल रिजवान अंसारी की अध्यक्षता में की गई। बताया गया कि 8 दिसंबर को पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम बिहार यात्रा सह सदस्यता महापर्व को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का सिवान आगमन टाउन हॉल में होना है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर हैं। ऐसे में सिवान जिले में 8 दिसंबर को उनका कार्यक्रम है। उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। उनके आगमन को लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता आज एक बैठक कर इसकी जानकारी दी है। 8 अक्टूबर को शहर के टाउन हॉल में उनका सम्मेलन है, जिसकी तैयारी पर चर्चा की गई और उस दिन भव्य आयोजन कैसे हो इस पर भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में प्रमुख रूप से पार्टी के कार्यक्रम प्रभारी प्रशांत पंकज, जिला प्रभारी रफी अहमद, प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती, महिला प्रदेश अध्यक्षा स्मृति कुमुद, अभिषेक रंजन, प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश कुशवाहा, पार्टी के नेता रवि कुशवाहा, हेमंत कुशवाहा, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हरिकेश प्रसाद, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष शरीफ नवाज खान, उदय कुमार, अधिवक्ता राजीव रंजन, नूरुल होदा अंसारी, रवि कुशवाहा, सुभाष कुशवाहा, हरेंद्र सिंह कुशवाहा, लाल बाबू सिंह, विजयकांत सिंह कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा, अविनाश कुमार मौर्य, सुरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के कुमार, किशोर प्रसाद, छोटे बाबू उपस्थित रहे। देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सशक्त करना भर है ऐसा नहीं। वह तो स्वाभाविक रूप से जब सदस्यता अभियान चल रहा है तो उसका एक आधार तो बनता ही है पार्टी का, लेकिन जो मूल उद्देश्य है वह है एनडीए के तमाम दलों के बीच बेहतर समन्वय हो। हमारे नेता जिस भी जिला में जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन के तमाम दलों के जिला अध्यक्षों और मुख्य कार्यकर्ता जो है उन सबसे उनकी भेंट होगी। तो बेहतर परफॉर्मेंस अगर करना है तो समन्वय बेहतर रखना होगा। और आपने कल देखा, उपचुनाव का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो अपनी बढ़ चढ़ कर भागीदारी दी है चुनाव प्रचार के क्रम में, हमारे नेता ने जितना समय दिया है, खासतौर पर रामगढ़ में जो नेता ने हमारा समय दिया है उस क्षेत्र में, उसका परिणाम सामने है, ये एक तरफा चुनाव हुआ। तो इसी तरह यदि एकजुटता बनी रहेगी तो पूरे बिहार में इसका अच्छा परिणाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए आएगा। तो हमारे नेता का मूल उद्देश्य वही है और वो हर जगह जा रहे हैं और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए एनडीए कैसे मजबूत हो इसका पहला प्रयास। चुनाव में ये देखने को मिला, चुनाव हुआ है इसका भी बड़ा, देखिए मेरे नेता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ एक ऐसे विषय हैं जिस पर कोई समझौता नहीं है और मेरे नेता इस नारे के समर्थन में नहीं है। तो निश्चित रूप से हम इस गठबंधन में हैं, लेकिन गठबंधन में अपने सिद्धांतों और अपने मूल्यों के साथ, इसलिए हम इस नारे का समर्थन नहीं करते। 8 तारीख को सदस्यता अभियान के तहत महापर्व के रूप में बिहार यात्रा के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन होने जा रहा है। हम लोग तैयारी समिति के बैठक यहाँ रखे हुए हैं और इस तैयारी समिति में हम लोग निर्णय लेंगे और अपने नेता का जोश खरोश से स्वागत करेंगे। सिवान जिला में टाउन हॉल में प्रोग्राम है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता लग के इस प्रोग्राम को सफल हम लोग बनाएंगे और अपने नेता का स्वागत करेंगे। आप लोग लगातार जब भी चुनाव आता है तो कड़ी मेहनत करके अपने एनडीए को जिताने की कोशिश करते हैं, ऐसे में क्या ये लगता है कि आपके पार्टी के भी लोगों को मौका मिलना चाहिए सिवान को? बिल्कुल, हमारे प्रदेश के नेता आपको बता ही चुके हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और रह गई पार्टी की भागीदारी की तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेता को छोड़ते हैं, जो उनको उचित मिलेगा करेंगे।
उनके हम लोग सिपाही हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार मौका मिलेगा। बिल्कुल, हमारे नेता हमारे मेहनत और परिश्रम को देखते हुए मजदूरी देंगे, यह उम्मीद है। बिल्कुल भागीदारी रहेगी। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल के माध्यम से हम एक बात बताना चाहते हैं कि बिहार यात्रा के क्रम में जो कि पिछले एक डेढ़ महीने से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बिहार यात्रा चल रही है, उसके सातवें चरण की शुरुआत जो है वो 5 तारीख से हो रही है, जो मोतिहारी बेतिया गोपालगंज होते हुए 7 की शाम को सिवान में हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहुंचेंगे और 8 दिसंबर को टाउन हॉल में 11 बजे से जिला सदस्यता महापर्व का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और प्रदेश के कई नेता और पदाधिकारीगण शामिल होंगे। और मेरी समस्त सिवान की जनता से आह्वान करती हूं मैं कि सभी लोग, जो भी लोग नेता में आशा और विश्वास रखते हैं और बहुत से लोग पूरे सिवान जिले से नेता की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो सारे लोगों से मैं आह्वान करना चाहती हूं कि आप सब लोग 8 तारीख को टाउन हॉल में 11 बजे आइए और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्यक्रम को सफल ज्यादा से ज्यादा लोग लाएंगे और स्वच्छता अभियान भी चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा भी 8 तारीख के लिए जाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष सिवान जिला का संगठन प्रभारी हूँ। किस तरह से आप लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे विशेष प्रभारी प्रसाद पक्कर जी आए, उन्होंने बताया अपनी पूरी बात, हमारे जिला अध्यक्ष ने अपनी बात बताई, हमारे मीडिया प्रभारी भारती जी हैं, हमारी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षता है, उन्होंने बताया टाउन हॉल में 8 तारीख का प्रोग्राम है और गोपालगंज और सिवान के जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं एनडीए के और खासकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो दिन उपस्थित होंगे और एक बड़ा प्रोग्राम होगा सदस्यता महापर्व का अभियान कहता है। हमारे नेता पूरे जिला का भ्रमण कर रहे हैं और आ रहे हैं और हम लोग तन मन धन से उसमें जुटे हैं, लगे हैं, उसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। सामने चुनाव भी है 2025 में, उसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं और अपनी पूरी धमक जिले में देने के प्रयास करेंगे और जनता के साथ में अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी प्रदेश मुख्यालय प्रभारी बड़े भाई प्रशांत पंकज जी ने बताया कि यहाँ हम लोग सातवें चरण के यात्रा के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन 8 तारीख को होने जा रहा है, जो सदस्यता महापर्व सह जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें उनका आगमन हो रहा है। और ये सदस्यता महापर्व जो चल रहा है पूरे बिहार में चल रहा है और पूरे बिहार में तक इस यात्रा को कर रहे हैं माननीय नेता, और उसी दौरान गोपालगंज बेतिया मोतिहारी होते हुए वे यहां 8 तारीख को पहुंचेंगे और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन सह सदस्यता महापर्व का आयोजन किया जाएगा। समय क्या रहेगा? समय वही 11 बजे उनका आगमन होगा और 11 बजे ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देख रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सारे नेतागण आरएलएम पार्टी के आप बताया गया है कि आने वाले 8 तारीख को सिवान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो सिवान जिले के लिए मुझे लग रहा है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसमें कई हजार लोग जुटेंगे और जो हमारे नेता है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। सदस्यता अभियान पूरे बिहार में चल रहा है, उसी के क्रम में 8 तारीख को यह कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में समीक्षा बैठक के लिए विशेष प्रभारी प्रसाद पंकज जी और तमाम नेतागण आए हैं, वही समीक्षा बैठक चल रही है।